ओके गुड मॉर्निंग टूडे वी विल स्टार्ट विद अवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज इन ट्रॉपी ना बेसिकली हमें पता है कि कार्नोट ने प्रपोज किया था कि जब तक हम हीट रिजेक्ट नहीं करेंगे वी कैन नॉट गेट एनी आउटपुट एंड वी नीड टू रिजेक्ट सम पोर्शन ऑफ हीट इनटू द सिंक सो दैट वी कैन गेट वर्क आउटपुट फ्रॉम द इंजन बट ही डज नॉट क्वान्टिफाई द टर्म क्वान्टिफाई का मतलब है कि उसने हमें एक्जैक्टली exactly ये नहीं बताया कि कितनी हीट रिजेक्ट करनी है उसने जस्ट एक जो है प्रपोज एक आइडिया था उसका कि हीट जो है हमने सोर्स से लेनी है और थोड़ी उसका जो पोर्शन है वो रिजेक्ट करना है सिंक के अंदर बट हाउ मच कितनी हीट रिजेक्ट करनी है या उसका कोई एनी इन टर्म्स ऑफ यू कैन से क्वान्टिटी ऐसा उसने कोई भी यू कैन से ही हैज़ नॉट गिवन एनी आइडिया अबाउट दैट तो उस केस में क्या हुआ कि उसके बाद इन 1850 हंड्रेड फिफ्टी रूडोल्स क्लोशियस जो था उसने जो है जो अपने दो पहले उसने जो प्रिंसिपल थर्मोनैनिक्स प्रिंसिपल्स थे उसके बेसिस पे उसने एक और जो प्रिंसिपल दिया था एंड ही क्वांटिफाई द कि कितनी हीट जो है रिजेक्ट करनी है उसने यहाँ पे भी थोड़ा सा जो है ही येज क्लियर मेड द थिंग्स मोर क्लियर विच वर अदरवाइज़ वेग जो इतना जिसमें क्लैरिटी नहीं थी तो उसने हमें यह भी बताया कि कितनी हीट जो है रिजेक्ट जो है होनी चाहिए ताकि वी गेट सम वर्क आउटपुट सो इन 1850 रुडोल्फ क्लोशिज लॉ था ही गिव द फर्स्ट लॉ दैट Q इज़ इक्वल टू W प्लस डेल्टा U कि हीट जो एनर्जी है वट एवर वी सप्लाई हीट एनर्जी नॉन्टीफाई कर सकते हैं डेट इज ही सेट दैट सम पार्ट ऑफ इट विल भी कन्वर्टिंग टू वर्क एंड सम पार्ट ऑफ द हीट विल बी यू कैन से यूजड अप इन इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम सेकेंड जो उसने बोला था कि हीट फ्लोज फ्राम हॉट टू कोल्ड बॉडी नौ सेकेंड उसने जो एक उसका जो uh, उसने फंडामेंटल दिया था कि हीट जो है एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है और हमेशा इट ऑलवेज फ्लोज फ्राम हॉट टू कोल्ड बॉडी यू वे नेवर सी हीट फ्लोइंग फ्राम कोल्ड टू हॉट बॉडी सो यू कैन से दिस इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस स्पॉन्टेनियस मतलब देर आर मैनी प्रोसेसिस हैपनिंग इन द यू कैन से आवर नेचर और इन द यूनिवर्स विच यू कैन से अंडर गोस बाय देर ओन विदाउट एनी एक्सटर्नल एड विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स सो ऑल दिस प्रोसेस इज़ अर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस फॉर एक्जाम्पल वाटर फ्लोज फ्राम हायर अल्टीट्यूड टू लोअर वाटर हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करता है यू ऑलवेज सी द रिवर्स फ्लोइंग हायर टू लोअर साइड यू कैन नेवर सी वाटर फ्लोइंग अपवर्ड्स कभी देखा पानी ऊपर की तरफ जा रहा है बिकॉज so, अगर हमें पानी को ऊपर लेके जाना है तो उसके लिए हमें सम वी नीड सम एक्सटर्नल फोर्स एक्सटर्नल वर्क सो ऑल दिस प्रोसेस लाइक हीट ऑलवेज प्रोस फॉर हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर इज ऑल दिस प्रोसेस नोन ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस सो वी विल स्टडी मोर एग्जाम्पल्स ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन कमिंग स्लाइड्स टाकिंग अबाउट द क्लॉशियस रिडोल्व क्लाशियस इसकी बात कर रहे हैं हम नाउ लेटर हॉन ई ऑब्जर्व्ड दैट फॉर अ रिवर्सिबल हीट इंजन उसने बाद में एक चीज फिनोमिना ऑब्जर्व किया कि ये रिवर्सिबल हीट इंजन जो है उस केस में जो रेशियो ऑफ हीट एडिड टू द हीट रिजेक्टेड वाज कंसिस्टेंटली इक्वल टू द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर्स मीन्स क्या हुआ है जितनी भी हीट हम इंजन को सप्लाई कर रहे हैं और जितनी हीट हम रिजेक्ट हैं उन दोनों का रेशियो जो है वो एक कंसिस्टेंट टर्म है कंसिस्टेंट मतलब एक, एक, एक फिक्स वैल्यू है उसकी एक ना हेयर दिस इक्वेशन एज पर जो उसने ऑब्जर्व किया है कि लेटर से हाई टेम्प क्यू हाई जितनी हीट हमने यू कैन से वी गेट यू वी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द सोर्स और जितनी हीट हमने रिजेक्ट किया है इन टू द सिंक इन दोनों का जो रेशियो है इज ऑल इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द टेम्परेचर ऑफ़ द सोर्स डिवाइड बाई टेम्परेचर ऑफ द सिंक ऑल द टेम्परेचर्स जो हैं दे शुड भी इन कैलविन स्केल वैन ई अप्लाई दिस इक्वेशन और टेस्टेड दिस इक्वेशन ऑन सम इर रिवर्सिबल प्रोसेस देन ही फाइंड दैट द इक्वेशन टू इज नॉट ऑलवेज वैलिड तो उसको लगा कि ये इक्वेशन जो है ये टू भी वहाँ पर वैलिड नहीं करती हर जगह ये इक्वेशन जो है अप्लाई नहीं हो रही सो उसने आगे फिर इसको फिर मॉडिफाई किया सो देर फॉर फॉर इ प्रोसेस द रेशियो ऑफ हीट ओवर एब्सोल्यूट टेम्परेचर इंक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ नेचुरल फ्लो अबाउट द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस सो अगेन ही करेक्टेड दिस इक्वेशन दैट क्यू एच बाई टी एच इन दोनों का रेशियो यानी हीट जितनी हमने ली है सोर्स uh, से डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ द सोर्स माइनस हीट रिजेक्टेड इन इन द दिंक ओवर टेम्परेचर ऑफ द सिंक इल ऑलवेज लेस देन इक्वल टू जीरो रेशियो ऑफ क्यू बाई टी इज ऑलवेज लेस देन जीरो नाउ दिस इज इक्वेशन फाइव इसी इक्वेशन को आगे हमने मॉडिफाई करके अलग अलग जगह पे अप्लाई किया जैसे कि ऑन द साइक्लिक यू कैन से दिस इन अ साइक्लिक प्रोसेस द रेशियो ऑफ डेल्टा क्यू बाई टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो फॉर रिवर्सिबल साइकिल अगर साइकिल uh, रिवर्सिबल है उस केस में ये ज़ीरो है या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं सबमिशन ऑफ क्यू बाई टी इज़ इक्वल टू जीरो फॉर इ रिवर्सिबल प्रोसेस या इिवर्सिबल साइकिल दिस इक्वेशन बिकम इज़ ऑलवेज डेल्टा क्यू बाई टी इज़ लेस दैन जीरो और यू कैन से वी कैन आल्सो राइट इन दिस term also नाउ द रेशियो ऑफ डेल्टा क्यू बाई टी इसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बार बार यही टर्म यूज़ होगी अब ही हैज़ ऑब्जर्व दैट इन इन दोनों का जो रेशियो है ये एक फ़िक्स वैल्यू है एक कंसिस्टेंट वैल्यू आ रही है इसकी सो ही फाइंड दैट द हीट द रेशियो ऑफ यू कैन से हीट टू द टेम्परेचर हैज़ अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रॉपर्टी सो ही नेम्ड दिस प्रॉपर्टी एज अ इन तो उसने आगे जाके इसको एक नाम दिया उसका नाम है एंट्रोपी और एंट्रोपी लेटर ऑन इट बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म फॉर द साइंटिस्ट एंड फॉर द फिजिक्स इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टर्म नाउ ये एंट्रोपी नाम कहाँ से आया इट इज इट इज़ डराइव फ्राम द ग्रीक वर्ड विच इज़ नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन ग्रीक के अंदर जो एक वर्ड है उसका जो एंट्रोपी उसका जो सेम वर्ड है उसको हम उसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन अब बेसिकली इंग्लिश में ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि कोई भी जैसे हम बात करते हैं कोल की अब कोल के अंदर जो कार्बन आइटम्स हैं वन स्टैंड द कार्बन आइटम्स आर अरेंज इन अ वे दैट इट बिकम्स अ कोल बट एट अन अदर इंस्टेंट वो सेम जो कार्बन आइटम्स हैं दे ट्रांसफॉर्म द कन्फिग्रेशन एंड इट बिकम्स अ डायमंडर अब बेसिकली जो क्लोशियस ने जो ये टर्म दिया है ये उसको भी पता नहीं था कि इतनी इंपॉर्टेंट जो ही एज गिवन सच अ इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन लेकिन बाद में लेटर ऑन जब साइंटिस्ट डिवेल्प न्यू टेक्निक्स टू स्टडी द एटम्स मॉलिक्यूल्स एट माइक्रोस्कोपिक लेवल जब उन्होंने ये इनको स्टडी करना शुरू किया इंडिविजुअल मेटल्स को जैसे हमने पढ़ा था ना उसमें थर्मोडाइनोमिक्स में दो तरह की स्टडी होती है देवल् एक माइक्रोस्कोपिक स्टडी होती है एक माइक्रोस्कोपिक तो जब उन्होंने माइक्रोस्कोपी के लेवल पे जो स्टडी इसको किया मालिक्यूल्स को जो आइटम्स को स्टडी किया था उनको थोड़ा और इसके बारे में क्लियर हुआ उसके बाद जो है लुडविग बोल्टमैन एन साइंटिस्ट है उसने इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की है सो ही हैज़ गिवन कंप्लीट एक्सप्लानशन ऑफ एंट्रोपी इन नाइनटीन समराइज़ किया यहाँ पर तो उसने क्या क्या बोला है पहला तो उसने बोला है कि द क्वालिटेटिवली क्वालिटेटिवली मतलब कि uh, कोई वैल्यू के साथ अगर हम देखें तो इंट्रॉपी इज़ इज अ डिसऑर्डर तो ही हैज़ डिफाइंड द एंट्रोपी अगर हम समझना चाहें तो इंट्रॉपी क्या चीज़ है ही सेट द इंट्रॉपी क्वालिटेटिवली इसको अगर हम डिफाइन uh, करें तो इट इज़ अ स्टड इट इज अ मेजर ऑफ डिसऑर्डर कि किसी जगह पे कितना डिसऑर्डर हुआ विच हैज़ नेचुरल टेंडेंसी टू इंक्रीज़ और इसकी एक नेचुरल टेंडेंसी क्या है कि इट विल ऑलवेज इंक्रीज़ सो so फर्स्ट उसका जो ऑब्जर्वेशन uh, थी ही हैज़ गिवन दैट इंट्रोपी अगर क्वालिटेटिवली इसको अंडरस्टैंड करें तो इट इज़ अ मेजर ऑफ डिसऑर्डर एंड इसकी जो नेचुरल टेंडेंसी है इट विल ऑलवेज टेन टू इंक्रीज इन द यूनिवर्स नाउ सेकेंड जो ऑब्जर्वेशन थी उसकी कि एंट्रोपी इज मेजर्ड बाय द रेशियो ऑफ हीट टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर तो ये ऑलरेडी हमने देख ही लिया है कि क्लोशियस ने भी यही बोला था कि एमट्रॉपी का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है इट इज़ द रेशियो ऑफ हीट टू द टेम्परेचर नाउ थर्ड ऑब्जर्वेशन उसकी थी इंट्रॉपी इज थर्टिकली रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी फॉर द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स इन स्पेस ही ऑब्जर्व दैट द फॉर द प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस एट जीरो डिग्री कैलवेन जो उसकी इंट्रॉपी होगी वो जीरो हो जाएगी उस समय सो दिस इज आल्सो नोन एज थर्ड लॉ ऑफ थर्मोनैराम्स तो ये आज की डेट में या लेटर ऑन इट इसको हम थर्ड लॉ के नाम से भी जानते हैं इस चीज़ को जो उसने कहा है कि एप्सिड उड ज़ीरोन ट्रॉपी बिकम्स जीरो सो दीज आर द फ्यू ऑब्जर्वेशन ऑफ द बोल्ड्स मैन नो हेर अभी तक जो हमने डिस्कस किया है उसको हम थोड़ा सा इसमें ग्राफिकली या यू कैन से मोर उसको विजुअली समझने की कोशिश करते हैं इंट्रॉपी क्या चीज़ है ना इंट्रॉपी जो है उसका जो सिंपल है इट इज़ यूजली डिनोटेड बाई एस कैपिटल और स्मॉल एस नॉ लेट एस मूव ऑन टू फ्यू यू कैन से इंट्रॉपी क्या चीज़ है अब यहाँ पे दो डायग्राम्स हैं फर्स्ट में देखो यहाँ पे लेट अस से वी हैव बॉल्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस नो अगर ये तीनों जो हैं बिल्कुल ऑर्डर में पड़े हैं जैसे लेट अस से कि एक के ऊपर एक हम रखे हुए हैं बिल्कुल एक ऑर्डर में है ये तो उस केस में uh, जो है उन, इसकी जो इंट्रॉपी होगी इफ़ यू टेंड टू मेजर द इंट्रॉपी ऑफ दैट सिस्टम यू विल फाइंड दैट द इंट्रॉपी इज़ लोअर इंट्रॉपी एज़ कम्पेयर टू दिस साइड राइट साइड इसको ज़्यादा अच्छी तरह से समझने की को कोशिश करते हैं ब्रिक्स हैं यहाँ पे स्टैक में पड़ी हैं जैसे ठीक है ये बड़े अच्छी तरह ऑर्डर में है सबको दिख रहा है ना ये सबसे पहले नीचे एक रो है फिर उसके ऊपर एक रो है फिर उससे छोटी और है सो दिस ब्रिक्स आर प्लेस्ड इन यू कैन से वेरी गुड ऑर्डर और हमें देखने में भी अच्छा लग रहा है लेकिन जब ये इसका ऑर्डर डिसऑर्डर हो जाए लेट अस से सम वन हिट दिस एंड ऑल दिस ब्रिक्स यू कैन से दे फॉल ऑफ एंड दे अल्टीमेटली दे एक्वायर एशंस तो कोई किसी के मुंह ऊपर होगा किसी के नीचे होगा तो लेट अस से द फाइनल स्टेट बिकम्स लाइक दिस तो उस केस में अगेन यू विल फाइंड इफ यू टैन टू मेजर द इंट्रॉपी यू विल फाइंड द इंट्राफी ऑफ दिस सिस्टम इज़ लेस दैन ट्रॉपी ऑफ दिस सिस्टम सो दिस इज़ अ हायर इंट्रोपी नाउ थर्ड एग्जाम्पल आते हैं आप रूम के अंदर जितनी मर्जी सफाई कर लो यूटर से यू अरेंज ऑल द बुक्स अरेजर क्लोज इन द अलमीरा यू पुट ऑल द बेड शीट्स एंड ऑल एवरी थिंग इन ऑर्डर बट आफ्टर लेटे थ्री फोर डेज और वन वीक और टू वीक्स यू विल फाइंड दैट योर रूम अगेन बिकम्स डिसऑर्डर्ड अब सारा का सारा जो आपने जितना भी अरेंजमेंट किया हुआ है बुक्स जो बिखर जाएंगी कपड़े इधर उधर हो जाएंगे सुबह आप उठोगे तो आपको लगेगा सारा जो आपका रूम है वो पूरा डिसऑर्डर हो गया तो ये ऐसा क्यों होता है बिकॉज दिस इज़ अ इन नेचर हम हमेशा कोशिश करते हैं कि चीज़ों को ऑर्डर करने में लेकिन नेचर जो है इट ऑलवेज टेंट टू में एकदम डिसऑर्डर हुए तो इसी वजह से जो यूनिवर्स की इन भी है वो इनक्रीज़ हो रही है क्योंकि यूनिवर्स में भी हर चीज़ जो है डिसऑर्डर हो रही है उसका और जो उसका डिग्री ऑफ डिसऑर्डर है वो बढ़ रहा है इसी तरह से आप कहीं भी देख लो चाहे आपका रूम है आपका बुक शेल्फ है आपकी अलमीरा है या कुछ भी है यू विल सी दैट द डिसऑर्डर इज़ आटोमेटिकली डिसपोन्टेस ये जो है ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है आप कुछ ना करो ये अपने यहाँ ये यह, आपके रूम का ये हाल हो जाएगा लेकिन अगर आपने वापस आना है यहाँ पर तो आपको कुछ काम करना पड़ेगा उसके लिए यू नीड टू डू सम वर्क नाउ अगेन इफ वी लेट अस से वी बाउंस अ बॉल ऑन द फ्लोर अगर हम बॉल को ऊपर से हाइट से नीचे फेंकें तो क्या होगा आफ्टर द फर्स्ट बाउंस इट विल नॉट कम बैक टू द सेम हाइट जितनी हाइट यहाँ पे इनिशियली जहाँ से हमने उसको जो ड्रॉप uh, किया था इट विल नॉट कम अप टू द सेम हाइट इट विल नॉट रीच टू द सेम हाइट इट सम इट विल लूज सम हाइट उसकी एनर्जी स्पेंड हुई है और थोड़ी एनर्जी उसकी हीट एनर्जी में गई तो एवरी टाइम्स इट बाउंस ऑफ सम ऑफ द इट विल लूज सम ऑफ इट्स हाइट इनिशियल हाइट सो अगेन दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ इन आफ्टर सम टाइम इट विल कम टू अ स्टैंड स्टिल नाउ देर इज एग्जाम्पल ऑफ स्टेट्स केल वी इन ट्रॉपी ऑफ सेकंड लॉ देर इज अ हायर प्रॉबिलिटी ऑफ टू हैव अ मोर डिस्पर्स अरेंजमेंट ये हम ऑलरेडी स्टडी कर सकें हैं कि अगर आप यहाँ से इंट उठा के फेंको ये नहीं होगा कि ये यहाँ से जो है ये स्टैक बन जाए अपने आप अप। उसकी प्रॉबिलिटी ज़्यादा क्या होगी ये होगी कि जो ईंटें आप फेंक रहे हो उसका कुछ इस तरह से जो है अरेंजमेंट हो जाए जो कि पर टोटली डिसऑर्डर होगा जो कि जिसका कोई सिर पैर नहीं होगा ठीक है एक ईंट का मुँह इधर को होगा एक उधर को होगा एक उप, एक वर्टिकल हो सकती है एक हॉरिजेंटल हो, हो सकती है एक इंकलाइंट हो सकती है बट यू विल नेवर फाइंड कि अगर आप रैंडमली ईंटों को फेंक रहे हैं आँखें बंद करके यू विल नेवर फाइंड कि इट विल अगेन फॉर्म दिस अरेंजमेंट और इट विल फॉर्म वेरी नीट एंड क्लीन अरेंजमेंट

टू फॉर्म दिस ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ये भी हो सकती है लेकिन इसकी प्रॉबिलिटी बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू दिस अब यहाँ पे देखो ये दो तरह की बॉल्स हैं एक ब्लू है और एक रेड है नौ इसमें ब्लू और रेड में यहाँ पे दो तरह की ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है एक तो है कि ब्लू लेफ्ट साइड पे है रेड राइट साइड पर है और यहाँ पर नीचे ब्लू ले, रेड, रेड लेफ्ट साइड पर है ब्लू रेड राइट साइड पर है दिस इज यू कैन से समर्ड अरेंजमेंट लेकिन इसकी प्रॉबिलिटी सिर्फ दो है लेकिन जो दूसरी अरेंजमेंट है जिसमें कि जिसको हम कहते हैं कि डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट है उसकी प्रॉबर्टी इतनी ज़्यादा है सिक्सटी एट टाइम्स यहाँ पर देखो आप ये एक रेड है यहाँ रेड के साथ ब्लू है ब्लू के साथ फिर रेड है फिर ये इस तरह से है फिर यहाँ रेड ब्लू रेड यहाँ पे इस तरह से सो देर आर यू कैन से प्रॉबर्टी ऑफ अदर यहाँ पे थोड़ा फेड हो गया ये कलर ये ये जो थोड़ा सा पिंक दिख रहा है ये रेड है तो यहाँ पे अरेंजमेंट इनका देखो देर आर सिक्सटी एट डिफरेंट कंबिनेशन ऑफ दिस रेड एंड ब्लू बॉल्स एज कंपेयर टू ऑर्डर्ड कम्बीशन विच इज़ ओनली टू सो आप खुद ही सोच सकते हो कि कौन से हैपनिंग होने के ज़्यादा चांसेज हैं नॉर्मली इस तरह का जो अरेंजमेंट है इसके हैंपनिंग होने के ज़्यादा चांसेज हैं बट इट अगेन ट्रांसलेट्स टू डिसऑर्डर्ड ये अगेन जो एक तरह से डिसऑर्डर है आपको देखने में तो ये लग रहा है कि डिसऑर्डर है या देखो यहाँ पे डिसऑर्डर है कोई सिस्टम नहीं है रेड बॉल कहीं पड़ी है ब्लू कहीं पड़ी है आगे उनके कोई वो नहीं है कोई ग्रोपिंग नहीं है कुछ नहीं है तो लेकिन इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैपनिंग है इसके चांसेस बहुत कम है तो अगेन इट इज़ अ यू कैन से प्रॉबलिटी इज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ एन सो इंट्रॉपी एंड नंबर ऑफ पॉयल्टी अरेंजमेंट्स यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे रखा है सो बोर्ड्स मैने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है एंड ही हैज़ गिवन अ क्वेश्चन फॉर दिस कि हाउ मनी कॉम्बिनेशन कैन बी फाउंड फॉर डिफरेंट अरेंजमेंट्स एंड हाउ इंट्रॉपी कैन भी कॉलेटेड विथ दैट नाइ माइक्रोस्टेट वर्सिस माइक्रो एंड वर्सिज माइक्रोस्टेट नाउ माइक्रो एंड माइक्रो में क्या डिफ्रेंस है आपको पता है आई थिंक ऑलरेडी माइक्रो मतलब माइक्रोमेंस एट एटॉमिक लेवल माइक्रोमेंस एट अ ग्रॉस लेवल ये मै, मैक्रो स्टेट है ये देखो ये पूरा बैलून की बात कर रहे हैं ये बैलून के अंदर जो उसके अंदर जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं एटम्स हैं उसकी बात कर रहे हैं तो ये माइक्रो स्टेट है ये यह स्टेट है अब अगर आप इन दोनों को देखें तो स्टेट के अंदर तो हम देख रहे हैं कि हाँ ये बैलून के अंदर अगर हम इफ यू फिल द एयर इट विल फॉर्म दिस एक बड़ा अच्छा सा उसका जो है आ, मतलब इट विल फॉर्म है यू कैन से स्फेरिकल शेप बट वाई इट इज़ ऑलवेज गेटिंग अ स्फेरिकल शेप अगर हम उसमें एयर uh, उसमें इन्फ्लेट करते हैं उसको उसमें एयर भरते हैं हवा भरते हैं कोई भी गैस भरते हैं तो उसकी जो शेप है ऐसी राउंड ही होती है वो स्केयर क्यों नहीं हो जाती वो रेक्टेंगल क्यों नहीं हो जाती अब उसके पीछे भी वही है गेम ऑफ प्रोबिलिटी है बिकॉज दीज आइटम जब इसके अंदर जब हम इसका प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे द एनर्जी ऑफ दीज मॉलीक्यूल्स और आइटम्स विल इंक्रीज एंड दे विल स्टार्ट मूविंग इन ऑल द डायरेक्शन सो देयर मोशन विल बी प्योर रैंडम मोशन अब इसका हमें ये वी कैन प्रडिक्ट कि ये वाला मॉलिक्यूल या ये आइटम किस तरह मूव करेगा इट मे मूव ऑन द लेफ्ट राइट लेफ्ट अप डाउन इन थ्री डायमेंशन इट मे मूव इन एनी डायरेक्शन इट डज नॉट हैव एनी यू कैन से फिक्स डायरेक्शन दिस मॉलिक्यूल में हैव यू कैन से रैंडम मोशन दिस पार्टिकल हैज है रैंडम मोशन सो ओवरऑल दिज मॉलिक्यूल स्टार्ट मॉलिक्यूल्स विल स्टार्ट हिटिंग द वॉल्स ऑफ द दिस बैलून एंड बिकॉज द दिस रैंडमनेस इज वेरी वेरी हाई सो इन दैट केस अल्टीमेटली द चांसेस ऑफ हिटिंग द वॉल ऑन फ्रॉम ऑल द साइड इज ऑलमोस्ट इक्वल क्योंकि इतनी ज्यादा रैंडमनस है कि सभी वा, इसकी वॉल्स की चारों तरफ जो जो इनको हिट करने के जो चांसेस हैं वो एक जैसे हैं तो दैट इज़ इट फॉर्म्स है ऑलवेज अ स्फेरिकल शेप सो दिस इज़ अगेन अ थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर शेप क्यों बन रही है इसमें लेकिन हम ये कभी सोचते नहीं नॉर्मली लाइफ में अब यहाँ पे देखो एक और एग्जाम्पल है फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द इंट्रोपी सो अब यहाँ पे जो इसकी जो इंट्रोपी है इट इज़ हायर देन दिस सिस्टम क्योंकि यहाँ पे एक तरह से ऑर्डर्ड है क्योंकि यहाँ पे ब्लैक वाले अलग हैं आपको दिख रहे हैं रेड वाले अलग अलग दिख रहे हैं तो वी कैन से दीज आर सम वट ऑर्डर्ड अरेंजमेंट क्योंकि यहाँ ब्लैक अलग है रेड अलग है लेकिन जैसे ही हमने उनको मिक्स किया तो ये जो है द डिसऑर्डर बिकम्स हाई क्योंकि यहाँ पे एक ऑर्डर था यहाँ पे डिसऑर्डर हो गया रेड एंड ब्लैक सब मिक्स हो गए तो डिसऑर्डर बिकम्स हाई तो इसका मतलब क्या होगा इनकी उनकी बढ़ गई सो दिस इज दिस विल हैव अ हायर इनट्रोपी दिस सिस्टम हैज़ अ हाई इंट्रॉपी सो वॉल्यूम लार्जर द वॉल्यूम हायर दैन ट्रॉपी अब एक और इसका जो इसके साथ रिलेशनशिप है कि जैसे जैसे हम इसका जो जो रेक्टेंगल है जो भी जिसके अंदर इसको इंक्लोज कर रहे हैं जैसे जैसे हम इसका वॉल्यूम बढ़ाते जाएंगे इसकी इन बढ़ती जाएगी सो यू कैन स्टेट अवे कॉरिडेट दिस सिस्टम विद एवर यूनिवर्स आल्सो कि यूनिवर्स जैसे जैसे उसकी वॉल्यूम जो बिकॉज एवरी थिंग इज रिसीडिंग फ्राम ईच अदर तो अब इसकी वॉल्यूम बढ़ रही है सिस्टम की तो उसके साथ इंट्रॉपी भी बढ़ेगी क्योंकि इंट्रॉपी क्यों बढ़ेगी क्योंकि वॉल्यूम के साथ उनका रेंडमनेस भी जो है और बढ़ेगी बिकॉज एवरी मालिक्यूल एवरी पार्टिकल हैज़ अ मोर डिग्री ऑफ फ्रीडम इट विल हैव अ मोर परमिनेशन एंड कम्बिनेशन टू यू कैन से टू अक्यूपाई दैट डिफरेंट स्पेसिस सो वहाँ पर इंट्रापी और बढ़ेगी इसकी सो फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द इंट्रोपी इज़ टेम्परेचर ऑब्वियसली टेम्परेचर जितना ही हाई हाँ होगा उतनी उनकी जो है काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी रोटेशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो उनका जो उतना ही रैंडमनेस उतनी ज़्यादा होगी उनकी उतनी विलोसिटी ज़्यादा होगी सो so, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ने से इंट्रोपी ज़्यादा बढ़ेगी एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स ऑब्वियसली जितने पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे उतनी प्रोबेबिलिटी उनकी ज़्यादा डिफरेंट जा, जो परमेशन ज़्यादा बनेंगे तो एंट्रोपी बढ़ेगी ज़्यादा उससे तो so, ठीक है फर्स्ट इज़ द टेम्परेचर टेम्परेचर इंक्रीज होने से इंट्रॉपी बढ़ेगी सेकेंड नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज होने से भी इंट्रॉपी बढ़ेगी सो दोनों वैलिड एंड होल्ड गुड फॉर द इंट्रॉपी कितनी साइड आएगी ये आगे डिस्कस करेंगे मेरा थोड़े वी विल फिनिश एयर इन नेक्स्ट क्लास वील मूव ऑन फ्रॉम यहीं से आगे चलेंगे फिर ओके यू मे लीव द्लास थैंक यू